हेलो एंड वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, और लेकिन इस दौरान मैंने आपके सभी के जो भी कमेंट आपने मुझे कमेंट किए हैं कमेंट बॉक्स में, वो सभी बने पड़े हैं और सभी को मैंने रिप्लाई भी देने की कोशिश किया है। और जो कॉमन सवाल थे जो आपने मुझे भेजे हैं, उसमें से कुछ कमेंट्स को मैंने पिक किया है जिसके आपको मैं फटाफट यहाँ पर रिप्लाई दे पाऊँ बहुत ही छोटे से वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आइए लाल बटन दबाकर इसको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हों। तो आपका जो पहला सवाल है वो है टीएमजी से रिलेटेड, कि अगर मेरे ये जो जबड़े में यहाँ पर जो जॉइंट होता है जिसे हम टीएमजी जॉइंट कहते हैं, इसमें अगर दर्द होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें डॉक्टर अवधेश ने बताया था कि उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो कौन सी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे, साथ ही साथ आप जबड़े की ये जॉइंट्स को कैसे मजबूत बना सकते हैं आप हाथ से सपोर्ट देके एक एक्सरसाइज से, वो भी उसमें बताया गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपकी उस समस्या का निवारण हो सके। नेक्स्ट आपका सवाल है आई विजन से रिलेटेड, इसमें इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 16 साल है और क्या मैं कॉन्ट्यूरा विजन करा सकता हूं। तो मैं सभी को बता दूं कि कॉन्ट्यूरा विजन आंखों के विजन को ठीक करने की एक लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि भारत में जो सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी आज के समय में है उसे कॉन्ट्यूरा विजन कहा जाता है। एक और है जिसे कहते हैं EPI यानी एपी कॉन्ट्यूरा, ये दोनों ही सबसे लेटेस्ट और अपडेट टेक्नोलॉजीज हैं और इनको कराकर आप अपने विजन को करेक्ट करा सकते हैं। इसमें जो एपी कॉन्ट्यूरा है वो और भी ज़्यादा बेस्ट है, कॉन्ट्यूरा विजन है वो भी बेस्ट है। दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग उनका कराने का जो है वो तरीका है और उनकी कंडीशंस हैं। तो ये आप 18 के बाद ही करा सकते हैं और इसको करा के अपना विजन 6x6 कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शंस वही लोग चूज करते हैं जिनका कोई खास मकसद होता है इसे कराने का, जॉब से रिलेटेड या दूसरा कोई पर्सनल इश्यूज। दूसरा आपका नेक्स्ट जो सवाल है वो है हेमोफीलिया से रिलेटेड, कि मेरे पैरों में सुन्नपन रहता है हेमोफीलिया की वजह से, तो इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ। हेमोफीलिया की एक प्रॉब्लम बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या पर केयर प्लस ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और ये एक परफेक्ट जगह मिलना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि जहां पर आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा वो जगह है आपके लिए मंडल स्तर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर ट्रीटमेंट के साथ साथ इसकी काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ एक हेमोफिलिक पेशेंट के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो अपनी केयर कैसे करेगा। लेकिन जिस तरीके की आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आपको काउंसलिंग मिलेगी। तो इसलिए आपको वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लस आपकी काउंसलिंग होगी। तो वो दो जगह हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, कि पहला मंडल के जो जिला अस्पताल होते हैं उसमें, दूसरा आप नजदीकी मेडिकल कॉलेज में संपर्क करेंगे। अगला आपका सवाल है हाइड्रोसिल से रिलेटेड, कि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं कितने दिनों बाद बाइक चला सकता हूं। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बाद कम से कम एक महीना तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी ड्राइविंग या फिर इस तरीके का ट्रैवल नहीं करना है। एक महीने के बाद ही आप इस बारे में सोच सकते हैं, जब आपके टाके ठीक हो जाए, उनमें कोई दर्द ना हो और उसमें किसी भी तरीके का पेन फील ना हो, तब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। हाइड्रोसिल की समस्या आगे आपको ना हो, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि आपकी अंडरगारमेंट यानी अंडरवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको किस तरीके से पहनना चाहिए, या फिर आप कौन सा पहनते हैं तो उसमें कौन सा आपके लिए बेस्ट है, या फिर अगर दोनों ही बेस्ट है ट्रंक या फिर वी शेप तो वो किस तरीके से आपको यूज करने चाहिए, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अगला आपका सवाल है RCT से रिलेटेड, कि ये अगर हम कराते हैं तो इसमें कितना समय लगता है। RCT से संबंधित समय डिपेंड करता है आपके टूथ की कंडीशन के ऊपर कि वो कितना खराब है या फिर उसमें कितनी रूट्स हैं। जैसे सामने के टूथ में हमारे एक रूट होती है, उसके साइड वाले में फिर दो रूट्स होती है, उससे बड़े जो टूथ्स होते हैं अंदर उसमें तीन तीन रूट्स होती हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कौन सा टूथ है और कितनी कंडीशन खराब है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि एक या दो बार में नहीं होता है, वो दो से ज़्यादा सेटिंग्स उसमें होती हैं तभी वो कंप्लीट हो पाता है। ऑलमोस्ट जिसमें एक रूट होगी माइट बी पॉसिबल कि उसमें थोड़ा कम समय लगे, बट समय दो से तीन या तीन से चार बार लग सकता है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो ये है कि आंखों में चार नंबर है तो क्या ये चश्मा लगातार पहनने से मेरा रुक जाएगा।
हाँ, ऐसा माना जाता है बिल्कुल कि अगर आपका आंखों में नंबर है और आप लगातार चश्मा पहनते हैं तो उससे नंबर स्टेबल रहता है, क्योंकि आंखों पे जोर नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को देखने के लिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखते हैं, समय पे खाना खाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहते हैं, तब भी नंबर ठीक रहता है। और एक चीज़ और कि आप नॉर्मल आई एक्सरसाइज भी अगर करते रहते हैं तो आँखें और भी हेल्दी रहती हैं। आंखों से रिलेटेड भी हमने एक नेचुरल रेमेडी भी वीडियो बनाया था, अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उन चीज़ों को अपना सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।